हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं किस तरह से हम अपने काइन मास्टर एप्लीकेशन से ब्रश इफेक्ट यानी ब्रश वाले वीडियो को बना सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको दो इमेज यानी एक इमेज की ज़रूरत पड़ेगी और दो स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे। एक स्टेप में आपको यहाँ पे ग्रीन स्क्रीन को एक्सपोर्ट करना है और दूसरे में आपका फाइनल वीडियो आ जाएगा। सबसे पहले हम यहाँ पे प्लस के आइकन पे क्लिक करेंगे और ये 16:9 का रेशियो सेलेक्ट कर ले रहे हैं। और सिलेक्ट करने के बाद सिंपली हम यहाँ पे मीडिया पे क्लिक करेंगे। जैसे मीडिया पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो भी आप इमेज यहाँ पे लिए हैं उसको आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, मैंने यहाँ पे एक इमेज डाउनलोड किया था तो वो मैं यहाँ से सेलेक्ट कर ले रहा हूँ। तो दोस्तों, ये मेरा सॉन्ग है, इसी इमेज पे हमको क्या बनाना है। तो सिंपली हम यहाँ पे जितना भी आपको सेकंड करना है उतना कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे 30 सेकंड के आसपास रहने देता हूँ, बाद में इसको मतलब कम या ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम लोग का यह हो चुका है। सिंपली आपको यहाँ पे आपको ब्रश वाला वीडियो को लाना है और एक्सपोर्ट करना है। तो सिंपली हम यहाँ पे लेयर को यूज करेंगे और यहाँ पे मीडिया पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको जहाँ भी आपका वीडियो है वहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे एक्सपोर्ट कर लेंगे। दोस्तों, मैंने यहाँ पे एक्सपोर्ट कर लिया है और यहाँ पे देखिए आ चुका है वीडियो। तो यहाँ पे जहाँ भी आपको रखना है, जिस कोने में रखना है, आप इजिली उसको रख सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको यहाँ पे देखिए क्रोमा की ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर सिंपली क्लिक करेंगे और इसको इनेबल कर देंगे। जैसे इनेबल करेंगे तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे ग्रीन यहाँ पे दिखाई दे रहा है कलर। यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है ब्लैक, तो हम यहाँ पे ब्लैक सिलेक्ट कर ले रहे हैं और यहाँ पे साइन पे क्लिक कर दे रहे हैं। साइन पे जैसे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे आपको ग्रीन दिखाई दे रहा है, लेकिन क्लियर ग्रीन नहीं दिखाई दे रहा है। तो इसके लिए आपको वापस यहाँ पे जाना है क्रोमा की ऑप्शन पे, और यहाँ पे देखिए जो ऊपर वाला है इसको आपको यहाँ पे खींच देना है, और खींच के यहाँ पे आपको 50-50 पे कर लेना है। इसको बाद में भी आप एडजस्ट कर सकते हैं। तो सिंपली आपको यहाँ पे अब देखना है कि कहाँ हमको रखना है। तो हमको यहाँ पे थोड़ा सा हल्का सा छोटा करना है, छोटा करने के बाद इसको ऊपर की ओर रख देते हैं। आप अपने से एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ साइन पे क्लिक करते हैं और करने के बाद सिंपली हम इसको एक्सपोर्ट कर देते हैं। तो शेयर पेमेंट ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। शेयर के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से इंटरफेस नजर आ जाता है। उसके बाद सिंपली एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे। तो दोस्तों, हम लोग का जो वीडियो है वो एक्सपोर्ट हो चुका है। अब सिंपली हमको फाइनल स्टेप को पूरा करना है। तो सिंपली आपको करना क्या है, वापस प्लस के आइकन पे क्लिक करेंगे, 16:9 का रेशियो लेंगे, और लेने के बाद यहाँ पे सिंपली आपको मीडिया पे क्लिक करना है और यहाँ पे बैकग्राउंड कोई भी सिलेक्ट कर लेना है। तो हम ऐसे ब्लैक बैकग्राउंड सिलेक्ट कर ले हैं, और सिलेक्ट करने के बाद इसको हम लोग जितना लेंथ रखना है, लंबाई रखना है, उतना रख लेंगे। और रखने के बाद सिंपली हम यहाँ पे वही वीडियो को लेंगे जो एक्सपोर्ट किया था, तो वो लेयर के अनुसार से लेंगे। तो हम सिंपली लेयर पर क्लिक करते हैं, मीडिया पर क्लिक करते हैं, और हम लोग का एक्सपोर्ट में आ चुका है। तो सिंपली हम इस पर क्लिक करके हम देखिए एक्सपोर्ट कर लिए हैं, और एक्सपोर्ट करने के बाद सिंपली हम यहाँ पे इसको फुल स्क्रीन में कर देंगे। तो जैसे भी आप करना चाहते हैं उस तरह से आप यहाँ पे कर सकते हैं। करने के बाद हम यहाँ पे ओके पे क्लिक करते हैं। ओके पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे नीचे जो भी वीडियो आपको डालने हैं वो वीडियो आपको लेना है लेयर के अनुसार। तो हम सिंपली लेयर पे क्लिक करते हैं और यहाँ से मीडिया पे वापस क्लिक करते हैं, और हम लोग का जो स्क्रीन रिकॉर्ड किया गया है तो हम सिंपली यहाँ स्क्रीन रिकॉर्ड पे क्लिक करते हैं, और यहाँ पे देखिए मेरा वीडियो है, तो यहाँ पे वीडियो आ चुका है। यहाँ पे आने के बाद सिंपली आपको यहाँ पे इसको पीछे करना है, तो पीछे हम बाद में कर सकते हैं, लेकिन हम सबसे पहले इसको क्रॉप करते हैं, यानी जितना हमको साउंड चाहिए उसको हम लोग को क्रॉप करना है। तो दोस्तों, यहाँ से हम लोग को लग रहा है कि यहाँ पे साउंड जो है यहाँ पे कट करना है लेफ्ट की ओर, तो हम यहाँ पे ट्रिम टू लेफ्ट टू ऑफ प्लेहेड पे क्लिक करते हैं, और जैसे प्लेहेड पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे ट्रिम हो चुका है। वापस हम प्ले करके चेक करते हैं कि क्या होता है। तो दोस्तों, यहाँ पे जो हम लोग का सॉन्ग जो स्टार्ट हो रहा है वो काफ़ी अच्छा है, तो सही है। उसके बाद हमको लास्ट में देखना है कि कहाँ तक हमको रखना है। तो सिंपली हम यहाँ पे लास्ट में आते हैं और प्ले करके देखते हैं कि कहाँ से हमको वापस कट करना है। तो दोस्तों, यहाँ पे हमको क्या करना है कि ट्रिम करना है। तो सिंपली हम यहाँ पे क्या करेंगे, हल्का सा जो भी आपको जैसे भी ट्रिम करना है तो ट्रिम कर सकते हैं। तो सिंपली हम यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे ट्रिम टू राइट ऑफ प्लेहेड। तो सिंपली जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए हो चुका है। वापस हम सुनना चाहते तो आप सुन भी सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे सही है। उसके बाद यहाँ पे सिंपली आप यहाँ लास्ट में आएंगे और इसी के अनुसार सबको यहाँ पे ट्रिम कर देना है। तो सिंपली हम यहाँ पे ट्रिम कर लेते हैं। दोस्तों, ऊपर वाले को भी ट्रिम कर लेते हैं। सिंपली हम यहाँ से सेम प्रोसेस है वैसे अप्लाई कर देंगे। अप्लाई करने के बाद यहाँ पे सिंपली इसको आपको नीचे की ओर यानी पीछे की ओर ले जाना है। तो सिंपली हम थ्री डॉट पर क्लिक करेंगे और सेंड टू बैक। जैसे बैक करेंगे तो यहाँ पर कुछ इस तरह से नज़र आएगा। तो इसको आपको फुल में कर देना है जहाँ भी आपको रखना है। उसके बाद यहाँ पर नीचे वाले को सिलेक्ट करना है और यहाँ पर कर देना है क्रोमा की चालू। तो जैसे क्रोमा की के आते हैं तो यहाँ पे इसको इनेबल कर देना है। जैसे इनेबल करेंगे तो यहाँ पे देखिए वीडियो जो है वो दिखाई देने लगा है। तो अपने अनुसार इसको जो है आपको एडजस्ट करना है। तो हम यहाँ पे पीछे वाले लेयर को लेते हैं और उसके बाद हम यहाँ इसको फुल स्क्रीन में यानी जितना हमको दिखाना है उसके अनुसार हम यहाँ पर दिखा देंगे। दोस्तों, अब यहाँ पर इसको प्ले करके चेक करते हैं किस तरह से दिखाई दे रहा है।
दोस्तों यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे सही हो चुका है। आपको कुछ यहाँ पे करना है तो सिंपली यहाँ पे क्रोमा की ऑप्शन पे जाएंगे और यहाँ पे कम बेसी इसको जितना भी करना है, कम ज़्यादा या जो भी करना है, आप यहाँ पे इजीली कर सकते हैं। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है तो हम इसी पे छोड़ दे रहे हैं। और छोड़ने के बाद यहाँ पे सिंपली जो भी इफेक्ट देना है लेयर पे आएंगे, लेयर पे आने के बाद यहाँ पे ओवरली पे आएंगे, ओवरली पे आने के बाद बहुत से यहाँ पे इफेक्ट मिल जाएंगे। तो यहाँ इसमें से जो भी आपको इफेक्ट आपको पसंद है या आपको अच्छा लग रहा है तो वो यहाँ से इजीली अप्लाई कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे सिंपली ये वाला जो है यहाँ पे कम आउट जो है जो इफेक्ट है ओवरली है इसको हम अप्लाई कर देते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि यहाँ पे फुल स्क्रीन में कर देते हैं। फुल स्क्रीन में करने के बाद सिंपली हम यहाँ पे इसको भी फुल स्क्रीन में कर देते हैं जो यहाँ पे हाफ स्क्रीन में दिखाया जा रहा है। तो हम इसको भी फुल स्क्रीन में कर दे रहे हैं और करने के बाद सिंपली इसको हम एक्सपोर्ट कर लेंगे। तो दोस्तों ये जो इफेक्ट है हम लोग काफ़ी अच्छा लग रहा है और वीडियो भी कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको बॉर्डर देना है तो आप इजीली बॉर्डर दे सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी नए टॉपिक पे।